ये सिलेक्टर भी वहाँ मौजूद है, वो भी तो अपनी इनपुट दे रहे हैं ना पाकिस्तानी टीम पे। आपने शरारत करने से बाज नहीं आना, आपने शरारत करने से बाज नहीं आना। देखिए अच्छी चीज है अगर उनकी इनपुट आ रही है, आई मीन एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंडिया में क्रिकेट खेले हुए हैं, इंडिया में वो अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असल तो ये चीज है। सो देखे उनको अगर अगर वो समझते हैं कि ये प्लेयर कौन सी गलती कर रहा है, आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड ही शुड स्टार्ट फ्रॉम इमाम। बिल्कुल, घर से शुरू, स्टार्ट फ्रॉम इमाम के बच्चे देखो ये गलतियां कर रहे हो, टीम में इस वक्त तुम्हारा जो रोल है वो ये है, उसको फिर से आइडेंटिफाई करें। आई थिंक देयर विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन। सुनने में आया था कि इंजमाम साहब आज 11 तारीख उनकी वापसी की तारीख थी चीफ सेलेक्टर की, लेकिन अब वो चूंकि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जा रहे हैं मैच में हौसला अफजाई के लिए, तो चीफ सेलेक्टर भी वो क्याम करेंगे। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के अनोखे कारनामे हैं। लेकिन आप समी, आज उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया और रविचंद्रन अश्विन को आराम कराया, सीनियर प्लेयर है, लेकिन उन्होंने क्या सोच के किया ये आप समझते हैं कि क्या उनके प्लान में है कि अहमदाबाद में एक स्पिनर कम करें, दो रेगुलर स्पिनर के साथ जाएं और फास्ट बॉलर के साथ जाएं? मेरे ख्याल में देखें इनका स्क्वाड इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ा बैलेंस है कि आज अगर विकेट पर आप देखें हल्का सा घास था, तो मेरे ख्याल में दो स्पिनर ही जाने चाहिए थे, तीसरा स्पिनर अगर जाता इतना ज्यादा स्पिन नहीं हुआ चाहे पहले इनिंग में विकेट को देखते हुए। हाँ, विकेट को देख के इन्होंने ये किया है, और मेरे हिसाब से अगर शार्दुल ठाकुर की जगह अगर मोहम्मद शमी को खिलाते तो बहुत ज्यादा बेहतर था। एक्सपीरियंस बॉलर है, फिर डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर और डिफेंसिव स्किल अच्छे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को जो चांस दिया वहाँ शमी को खिलाने चाहिए। शमी को पाकिस्तान के खिलाफ ना ही खिलाएं, शार्दुल को ही खिलाएं, क्योंकि शमी बड़ा स्विंग करता है, इनिशियल ओवर खतरनाक बॉलर, खतरनाक बॉलर अगर विकेट ले ली। अब चलते हैं वो जो हमारा रोज का रेगुलर सेगमेंट है कि क्या आप जानते हैं, तो आपको एक सवाल बताते हैं, उसके चार ऑप्शन होंगे, प्रोग्राम के आखिर में इसका जवाब हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं?